इसी प्रकार एक दो ऐसे महान साधु मिले जो एक अध्यात्म को मानता था और दूसरा एक केवल कर्म को मानता था। उसका नाम एक का नाम था ऋषिध्वज नाम का राजा और एक का नाम था खांडी खांडिक्य। ये दोनों भी बहुत सारे दोस्त थे और अच्छे दोस्त होने के कारण उनमें इतनी तीव्रता थी कि दोस्ती में वो कहता था कर्म ही श्रेष्ठ है, लोग कल्याण करते हुए लोगों की रक्षा करना यह श्रेष्ठता है, अध्यात्म में मन करते हुए ध्यान करते हुए बैठना यह श्रेष्ठता नहीं है और इसे केवल तुम अपनी आत्मोन्नति चाहते हो लेकिन लोगों का कल्याण नहीं कर सकते, इसे कर्म करने वाला वही श्रेष्ठ हो। लेकिन दोनों ही राजा थे और दोस्त रहने के कारण दोनों साधनाओं में उतनी श्रेष्ठता के साथ आगे बढ़े। एक हुआ ये कि उस राजा खांडित्य के राज्य पर एक दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया, तब वो हार गया था और उसके पास बैठा हुआ था, तो फिर किसी से राजा ने दोस्त होने के कारण उस राजा को हराकर इसका राज्य से प्रदान किया। लेकिन खांडित्य को लगा कि मैं अध्यात्म में इतना श्रेष्ठ रहने वाला, मैं आज इसके सामने जो कर्म को मानता है इसके सामने हार कर दिया हूं, ऐसे जीना ऐसे जीवन जीने से भी क्या लाभ। और उसने कहा कि हे खांडित्य मैं तेरा राज्य तुझे ये राज्य देता हूं तो ये ले ले, मैं संन्यास लेकर जंगल में जाऊंगा। लेकिन ये बात कहा कि जीवन में मैं तुझे बता देता हूँ कि अध्यात्म श्रेष्ठ है कर्म श्रेष्ठ नहीं है। खांडी के एक एक जंगल से चला गया, जंगल में चला गया और साधना में तत्पर हो गया। तो किसी तरह राजा अपने गुरु के माध्यम से रोज एक हवाला की कमा दी सब कार्य करता था, उसे इच्छा हुई कि एक अश्वमेध यज्ञ एक ने को संपन्न करो। उसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाने के लिए आए और उसमें एक गौ जो यज्ञ के माध्यम से श्रेष्ठता के साथ की जाती है उस गौ को रखा गया। तो वह गौ चलते चलते एक बार जंगल में गई और जंगल में गई उसने उसको शेर ने खा लिया, शेर ने खा लिया तो यज्ञ खंडित हो गया, गौ मर गई। अब ये लगा राजा को कि यज्ञ के लिए धेनु अगर मर गई है तो उसका प्रायश्चित से क्या है, यज्ञ को रोकना पड़ता। तो सभी लोग इस बात के लिए केशेश्वर को कहा कि तुम बड़े बड़े ऋषियों से पूछ के आओ। ऋषियों के पास केशेश्वर राजा गया, बोला ऐसा ऐसी गौ हत्या हुई है इसका प्रायश्चित क्या है। तो सभी ने कहा कि इस प्रायश्चित के बारे में हमें ज्ञान नहीं है, तो प्रायश्चित का इस ज्ञान को देने वाला कौन है, तो तेरा शत्रु खांडित्य ही है जो अध्यात्म में श्रेष्ठ है, तू जाके उसको पूछ। जो भी होगा अगर बलि कहता है मर जाऊंगा तो यही संपन्न करूंगा और महान जाऊंगा और जिंदा रहा तो मार मिलेगा, मैं खंडित के पास जाऊंगा। वैसा ही गया तो खंडित को बता चला कि वो अपने सैनिक के साथ मेरे पास आ रहा है, तो उसने कहा कि युद्ध से आप मुझे यहाँ भी ठीक तरीके से जीने नहीं देता है, मुझे मारने ही आ रहा है। और वो कहा कैसे सर तुम वही रुक जाओ, मैं अध्यात्म में हूँ तो युद्ध के लिए नहीं आ। तो किसी सर ने कहा मैं युद्ध के लिए नहीं आ रहा हूँ, मैं तुझे एक समस्या के लिए तेरे पास आ रहा हूँ। तब खंडित के सामने कैसे सर राजा ने कहा कि मेरे यज्ञ में किसी तरह हुई गौ हत्या हुई उसका प्रायश्चित क्या। तो उसके पास जो खंडी के ऋषि पर जो सैन्य बैठा हुआ था बोले हे राजा ये बहुत अच्छा मौका है, बस बोलो कि उसकी बलि चढ़ा दी जाए तो अपने वो राज्य आ जाता है। तो खंडी ने कहा कि ये धर्मशास्त्र के पूछने वालों का व्यक्तित्व तो यह नहीं होता, मैं उसे ऐसी बात कभी नहीं कहूंगा। जब उसने ये बात कही है कि मैं युद्ध होकर मैं राज्य देने का तो नहीं लेना चाहता, तो मैं झूठ बोल के भी मैं राज्य भी नहीं लेना चाहता, मैं उसको श्री मार्गदर्शन करता हूँ। और उसने श्री मार्गदर्शन को किया, कहा कि तुम योग मान से ब्रह्म योग से अपने सारी संपत्ति ब्राह्मणों में लुटा दो और अकेला हो जाओ, तब तुम्हें इस बात से प्रायश्चित होगा।
किसी धन को पता था मैं ऐसे भी राज्य लुटा कर दे दूं अपने बाहुबल पर फिर इस राज्य को कमा सकता हूं। तो मुझे प्रायश्चित ऐसा होता है। तो उसने सारा राज्य अपने ब्राह्मणों को दान में दे दिया और लुटा दिया और कहा मैंने तुम्हारी बात मानी है उसको दे दिया। और किसी धन को उन्होंने कहा कि आज लुटा दिया है मैं फिर कर्म करके बताऊंगा मैं तुम्हारे साथ श्रेष्ठ हूँ। खांडी कहने लगे कितने बार कर्म करोगे ये बात याद रखो कि तुम्हारे यज्ञ करते समय क्यों गो हत्या हुई और तुम्हें इस चीज का फल तुम्हें क्यों लगा। इसलिए लगा कि एक अध्यात्मवान व्यक्ति को इस संसार में कर्मवान भी जितना श्रेष्ठ है उतना अध्यात्मवान भी श्रेष्ठ है। तो उसका अपमान तुमने किया इसलिए गौ हत्या हुई और उस गौ हत्या का कारण तू जितनी बार भी कहेगा एक गौ हत्या या ब्रह्म हत्या होने लगेगी। विद्वान ब्राह्मणों का कभी विद्वान व्यक्तित्व का विद्वान ऋषियों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए और तुमने ये कार्य किया इसलिए पाप भोगना पड़ा। तब उन्होंने कहा कि इसके आगे क्या करना चाहिए। तो स्वामी कृष्ण जी इस केशिक पांडी के दोनों जिस विद्यार्थी कह रहे हैं तो हमारे पुराण इतिहास में विश्व पुराण में ये द्वापर युग के श्रेष्ठ राजा और ऋषि अध्यात्म में श्रेष्ठ कहलाए थे। और इस विद्यार्थ में स्वामी कृष्ण जी के सामने यह कार्य हो रहा था कि इसका निर्णय हमें क्या करना चाहिए। तो पहली बात स्वामी कृष्ण जी ने कहा कि आप दोनों भी ज्ञानी है ब्रह्म ज्ञानी है सब कुछ है लेकिन ये बात पहले पूछो कि आप दोनों में शत्रुता क्यों है अध्यात्म और कर्म की। कर्म की और अध्यात्म की शत्रुता आप में क्यों आई। इस संसार में दोनों भी श्रेष्ठ हैं लेकिन पहले इस शत्रुता को अगर मिटा दो तो आपको पता चलेगा कि आगे क्या करना है। और प्रभु जी शत्रुदेव ने उनको महाकाल भैरव साधना संपन्न करवाई और कहा कि तुम पूर्व जन्म में क्या थे। जब उनको उनका पूर्व जन्म उन्होंने देखा तो यह है उस जमाने में एक ऋषि आश्रम में रहने वाले सांप और देवदा थे। दोनों सांप में कुंडलिनी शक्ति होती है और नेवले में कर्मयोगन की शक्ति होती है लेकिन उस ऋषि की कृपा से ये दोनों में क्षत्रिय हुए और क्षत्रिय होकर उन्होंने जन्म लिया। जब देखा कि उस शत्रु भावना से हमारे में आज वो शत्रु भावना बन रही है और आज है तब उन्होंने कहा कि हमारे इस सांप और नेवले की इस दुष्टता से अलग करने के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा पहले तार को जब तक अपने हाथ में नहीं लेते जब तक अपना पूर्व जन्म अपने को पता नहीं चलता तब तक हम आगे क्या करना है हमें ज्ञान नहीं होता और हमारे शरीर से गलतियां होते ही रहते हैं। क्या पूर्व जन्म ज्ञान कर सकते हैं क्या ऐसी साधना है। तो पहली बार सिद्धाश्रम में किस साधना महाकाल और महाकाल भैरव की साधना प्रभु सतगुरुदेव ने की और कहा था कि तुम्हें इस साधना से केवल 21,000 या 2010 मारा इस मंत्र की कर लो हमारे जीवन में सिद्ध कर लो और एक रात में रात के 12 बजे 50 मारा मंत्र करते हुए आप कोई भी प्रश्न आपके जीवन का पूछ लो उसका उत्तर आपको सुबह तक मिल जाएगा। ऐसा बोलने का है मैं साधना का मार्गदर्शन करने वाला हूँ मैंने ऐसी साधना की संपन्न की है अपने जीवन में क्यों ऐसा जीवन हो रहा है मुझे जीवन में यही पत्नी क्यों मिली यही पुत्र मुझे क्यों जन्म हुआ मुझे इस नागपुर में क्यों जन्म लेना पड़ा मैं दिल्ली में इंद्रायणी में क्यों जन्म नहीं किया। अगर आप ये प्रश्न जानना चाहते हो आपके जीवन में दुख है किसी का मार्गदर्शन नहीं आप अपने जीवन को सुधारना चाहते हो कि हमारे जीवन में कष्ट क्यों आ रहा है हम इतनी मेहनत करते हैं तो हमारे में ऐसी स्थिति क्यों आई। ये महाकाल भैरव साधना आपकी ही नहीं आपके जीवन में आने वाले भविष्य को भी सुधारने वाली साधना कहेगी। और इस महाकाल भैरव साधना को केवल एक मैं कल तक कहा था 21,000 मंत्र जप करने पर ये साधना सिद्ध होती है लेकिन गुरु पूर्णिमा के पहले दिन यही साधना उन साधु लोगों को गुरु ने करवाकर कहा था कि केवल 21 मारा इस साधना को करो और आप जब भी जीवन में संकट आए 50 बार इस मंत्र को रात के 12 बजे तक लो जनता के सामने तो आपका आपके आने वाले संकट निश्चित रूप से कम नहीं हुआ। तो मैं इस संसार में सिद्धासन में रहने के लायक नहीं हूँ ये बात गुरु ने किसी राजा को कही थी और वह साधना हमने संपन्न करवाई। आज कोई चतुर्दशी का दिन है और रात के 12 भी बजने वाले हैं आप सब लोग पहले भोजन को जाओ आपको अगर इच्छा है तो यंत्र माला ले लो साधना बहुत छोटी है केवल 21 माला जप करना है बाकी की दीक्षा या उसका काल मैं बाद में बताऊंगा। इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसी साधना परम पूज्य सद्गुरुदेव ने पहली बार सिद्धाश्रम लिया और सिद्धाश्रम की वो पांडुलिपि यहाँ गुरु जी जोधपुर से निर्मल आए हुए हैं उन्होंने उस सिद्धाश्रम की पांडुलिपि को माता जी से पूछ कर मेरे पास लाया था और मैंने इस बार उस साधना को निकाला है जो गुरु जी के स्वयं हस्ताक्षर से लिखी हुई है और उस साधना को मैंने कहा कि महाकाल भैरव साधना परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के आपके जीवन को सुधारना चाहते हो आपके जीवन के दुख को मिटाना चाहते हो आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ है इसको जानना चाहते हो तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है केवल 21 माला मंत्र जप आज रात के 12 बजे से कल रुपए कल सुबह 6 बजे तक अगर आप कर सकते हैं और इस मंत्र को केवल 50 बार कोई भी रात्रि में 50 बार मंत्र को बोलते हैं तो आपके आने वाले संकटों का दर्शन आपको ही मिलेगा। ऐसी साधना जो गुरु जी ने करवाई थी यही साधना मैं आपको आज प्रदान कर रहा हूँ आपकी इच्छा हो तो यही साधना संपन्न करें। इसके बाद भोजन